बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 245 और हम कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज, हमारे विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स, जो कि है चैप्टर 8 आपकी साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर. हम पढ़ रहे थे, हमने बैक एक्सरसाइज में थे पेज नंबर 92 पे और हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन. मतलब अगर आपको पता है कि साइक्लोन आने वाला है तो उससे डील करने के लिए हम एडवांस में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, आप पहले से ही क्या प्लानिंग कर सकते हो अगर साइक्लोन आने वाला है तो. सो आंसर 7, टू डील विथ साइक्लोन, साइक्लोन के साथ डील करने के लिए, टू डील विथ साइक्लोन इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, साइक्लोन से डील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें फॉलो करें. फर्स्ट, लिसन केयरफुली द वार्निंग्स. पहले तो जो भी वार्निंग्स हैं उनको ध्यान से सुनो, ट्रांसमिटेड ऑन टीवी एंड रेडियो. घड़ी घड़ी जो टीवी रेडियो पे वार्निंग्स आती हैं उनको ध्यान से सुनो. सेकेंड, मूव टू द सेफर प्लेसेस, सुरक्षित जगहों पे चले जाओ. मूव टू द सेफर प्लेसेस. कीप एन इमरजेंसी किट रेडी. सो जो इमरजेंसी किट है उसे तैयार रखो, जो मतलब इमरजेंसी किट है उसे तैयार रखो भाई, जो आपको काम है साइक्लोन के टाइम. फोर, स्टोर फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स. तो जो खाना है वो आप वाटर प्रूफ बैग में स्टोर रखो, ठीक है, जो खाना है उन्हें वाटर प्रूफ बैग में स्टोर रखेंगे. फिफ्थ, नॉट टू वेंचर इनटू सी, समुद्र की तरफ मत जाओ. सिक्स्थ, कीप ऑल द इमरजेंसी नंबर्स, सारे इमरजेंसी नंबर्स रखो. सो साइक्लोन आने वाला है तो क्या क्या करना चाहिए, पहले तो घड़ी घड़ी वार्निंग सुनते रहनी चाहिए और सेफर प्लेसेस पे चले जाने चाहिए, और उस टाइम इमरजेंसी में जो भी सामान लगेगा वो रखना चाहिए, खाना रखना चाहिए, वाटरप्रूफ बैग. वाटरप्रूफ बैग इसलिए क्योंकि बाढ़ जैसा हो जाता है पानी पानी, इसीलिए. नॉट टू वेंचर इनटू सी, सी की तरफ नहीं जाना चाहिए, सारे इमरजेंसी नंबर्स रखने चाहिए. सो जब भी ऐसा लगे कि भाई बाढ़ आने वाली है, सॉरी तूफान आने वाला है, तो ये सब करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8. सो ये एमसीक्यू है, सो हम यही डिस्कस कर लेते हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर ही. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन. इनमें से कौन सी जगह साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होती. फर्स्ट, चेन्नई. सेकेंड, मैंगलोर. थर्ड है अमृतसर, या डी फोर्थ है पुरी. इन चारों में से कौन सी जगह जो है साइक्लोन से अफेक्ट कभी नहीं हुई है, मतलब नहीं हो सकती कभी भी. सो इन चारों में से जो जगह साइक्लोन से अफेक्ट नहीं हो सकती, अनलाइकली मतलब नहीं हो सकती, तो वो है अमृतसर. ठीक है, सो अमृतसर जो है वो साइक्लोन से अफेक्ट नहीं हो सकती. ठीक है, सो जो मैंगलोर है, चेन्नई, पुरी है, वो सब नीचे की साइड आए, अमृतसर ऊपर की साइड आया है, सो वो अफेक्ट नहीं हो सकता है मैप में. नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट. इन चार स्टेटमेंट्स में बताओ सही वाला कौन सा है, तीन गलत हैं, सही वाला कौन सा है. सो इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन. विंटर में लैंड से ओशन की तरफ विंड आती है. हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है.
समर विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू, ये गलत स्टेटमेंट है. अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय हाई प्रेशर, गलत है, लो प्रेशर से होता है. कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल, भाई जो इंडिया का कोस्ट लाइन है 30 इलाका है वहां साइक्लोन्स नहीं आते, ये भी गलत है. सो सही क्या है, द इन विंटर द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियन. सो 9th में ये है, ठीक है. सो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी, एंड इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो पूरी होती है. इसके बाद फिर इस तरह से एक्सटेंडेड लर्निंग है, ठीक है. सो दिस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड लर्निंग. सो विद दिस दिस मतलब जो ये चैप्टर का एक्सरसाइज है इज फाइनली एंडिंग. यहाँ पे एक मॉडल ऑफ एन एनेमोमीटर बना हुआ है, हमने पढ़ा था भाई एनेमोमीटर डायरेक्शन ऑफ विंड बताने काम आता है. एनेमोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड, सॉरी डायरेक्शन के लिए तो विंड पेन है, ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड बताने के लिए, ठीक है. सो इस तरह से बनता है एनेमोमीटर, ठीक है. सो यहाँ बना हुआ है, सो दिस इज द मॉडल ऑफ एनेमोमीटर, ठीक है. इस तरह से बनाया जाता है, इससे पता लगता है विंड की स्पीड कितनी है, ठीक है. सो जस्ट फाइनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज इज ओवर, एंड नाउ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है. सो सबसे फर्स्ट है, व्हाट इज विंड, विंड क्या है. सो आंसर, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है. मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सेकेंड, यू सी दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर. आप देखते हो कि भाई ट्रीज के पत्ते, बैनर्स, फ्लैग ये सब फ्लटर होते हैं, हिलते हैं व्हेन द विंड इज ब्लोइंग. व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो ये सब हिलते हैं. वाई इज इट सो. सो मैंने ये डिस्कस कर ही लिया था आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि जोर जोर से हिलते क्यों हैं. सो क्योंकि आंसर है, ड्यू टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर, ठीक है. जब एयर एग्जर्ट करती है प्रेशर तो ये हिलने लगते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड, हवा चलने का मेन कारण क्या है. सो आंसर, द एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई, ठीक है. जो एयर है वो मूव करती है रीजन से जहां एयर प्रेशर हाई है, टू दोज, वहां मूव करती है टू दोज रीजन्स वेयर द एयर प्रेशर इज लो, वेयर द एयर प्रेशर इज लो, ठीक है. तो एयर मूव करती है रीजन से जहां एयर प्रेशर हाई है, उन रीजन्स पे जहां एयर प्रेशर लो है. सो दिस प्रेशर डिफरेंस, दिस प्रेशर डिफरेंस, सो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, दिस प्रेशर डिफरेंस इज द कॉज ऑफ विंड. सो ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से विंड चलती है, ठीक है. सो द एयर मूव्स फ्रॉम रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू दोज रीजन्स वेयर एयर प्रेशर इज लो, दिस प्रेशर डिफरेंस इज द कॉज ऑफ विंड, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स ऑन द अर्थ. सो अर्थ के विंड मूवमेंट का मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स ऑन द अर्थ. सो आंसर,
द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स ऑन द अर्थ इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर में डिफरेंस होना मेन कॉज है. द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स ऑन द अर्थ इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, इसी से ही विंड मूवमेंट्स होती हैं अर्थ पे, इसी कारण से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट अ प्लेस. मतलब अगर सपोज किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है. व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट अ प्लेस. सो आंसर, ऑन हीटिंग, जब मतलब गर्मी मिलती है, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड्स, द एयर एक्सपांड्स एंड बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप. ठीक है, तो मतलब जब जब हीट होता है तो एयर क्या होती है, एक्सपांड होती है और वो लाइट बन जाती है और ऊपर उठती है. ठीक है, सो हीट करने से ऐसे होता है. सिक्स्थ, विच फैक्टर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द विंड. किस वजह से जो है हवा की स्पीड बढ़ती है, किस फैक्टर की वजह से. सो रिडक्शन ऑफ एयर प्रेशर. सो रिडक्शन ऑफ एयर प्रेशर मतलब जब एयर प्रेशर जितना कम होता जाता है उतनी हवा की स्पीड बढ़ती जाती है.